Hello and welcome to today's episode of Pick Scratch by Sex. Is that right? And today we'll be listening to Damn by Bella. Yeah, it feels sad to say this, but Home the album ka outro hai bhai. And her track ke saath there was always some phrases associated, like I tell stories and then damn, right? So ghoom fir ke, I'm not surprised ki last gaane ka naam damn hai. We're gonna check it out. Remember the last track that I checked out, और बहुत जल्दी ही last के बाद ये वाला drop किया है, या फिर I think I was a little late last वाला check करते वक्त, but either ways मैंने थोड़ा ठीक करते हैं. Now we're gonna get it, भाई जल्दी से description देखते हैं and then we're gonna jump, man. This is something that started a long time ago for us. Even though this concept started to evolve a long time ago, it is still progressing nowadays. It is easy to comment when you don't really know about what the vision is, and it's the end of Home the album and the beginning of something you didn't see coming. Believe the change. Lyrics. Bhai, mere ko nostalgia hit kar raha hai. It says song Ice and H copyright laga hua hai gaane pe. The sample issues ya kuch to honge. Either ways. Without further ado, we are gonna jump straight into it. This is Big Scratch by Sex, and we are listening to Damn by Bella. Outro to the Home album, man. It's an emotional day. Let's get it. Mic check. Mera naam kya hai? Bella. Zyada kuch nahi bolne ko, ye sabko maloom kaun hoon main. Album dera solo dera video dera rock ke dekh. 2011 dekha maine baapu pitte maa ko meri. 2012 baap ne mujhko pehli fursat bheja jail. I'm fucking with my music, sir, har paar bachta hoon. Tere liye bas ek rapper hoon jo sabse chalta hoon. भाई एनर्जी अलग लेवल पे है, सच्ची बातें हो रही है भाई, बहुत ज्यादा रॉ बातें हो रही है भाई. एल्बम देरा सोलो देरा वीडियो देरा रोक के देख. 2011 देखा मैंने बापू पीटते माँ को मेरी. 2012 बाप ने मुझको पहली फुर्सत भेजा जेल. फकिंग विद माय म्यूजिक सर हर पार बचता हूँ. तेरे लिए बस एक रैपर हूँ जो सबसे चलता हूँ. मेरी माँ के लिए बेटा उसका हीरा हो गया. पसीना लाख में बिके मेरा नगीना हो गया. ये कुत्ते देखे मुझे भौंके मगर काटने को नहीं आते. इंटरव्यू में भाई बोल के थाली बांटने को नहीं आते. हर कोई पैसा मांगे शेयर का तो हम भी मांगेंगे. हम ऐसे कुत्ते पालेंगे और ये बस वहम पालेंगे. स्टोरी लाइन वाली एल्बम जबकि स्टोरी कोई नहीं थी. तुमने खुद जोड़ी मैंने तो बस ख्वाहिश पूरी की. हर एक दर्द मेरा तुम्हें इतना अपना क्यों लगा. हर एक सच मेरा साला तुम्हें सपना क्यों लगा. मैंने खाना पीना छोड़ मिक्सिंग यूट्यूब से ही सीखा. दो तीन लोगों का आभारी हूँ जो यार ये तो आप मीठी तरीके से बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारा चूतिया काट दिया. भाई गलत बात है, पर आई अंडरस्टैंड मैन. सो अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट ही सेड यहाँ पे, वेरा इज लाइक, मैंने तो बस अपनी ख्वाहिश पूरी की. मेरे को जो लगा, मेरे को जहां पे जैसा लगा, आई जस्ट पुट इट आउट देयर इन एवरी सॉन्ग. स्टोरी लाइन तो था ही नहीं. दिस वॉज माई लाइफ एंड यू ऑल कनेक्टेड इट फॉर योर सेल्फ. मैन इट मेक्स मी थिंक सो मेनी थिंग्स. मेरे को नहीं पता अभी मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं, बिकॉज वी आर इन द फ्लो ऑफ द सॉन्ग. चलो लास्ट में इफ यू वांट टू लिसन टू इट देन स्टिक अराउंड टिल द एंड मैन. हम पालेंगे स्टोरी लाइन वाली एल्बम जबकि स्टोरी कोई नहीं थी. तुमने खुद जोड़ी मैंने तो बस ख्वाहिश पूरी की. हर एक दर्द मेरा तुम्हें इतना अपना क्यों लगा. हर एक सच मेरा साला तुम्हें सपना क्यों लगा. मैंने खाना पीना छोड़ मिक्सिंग यूट्यूब से ही सीखा. दो तीन लोगों का आभारी हूँ जो देते रहे साथ. बंदी गाड़ी घोड़ा मुझ पे फेमस होने के बाद आया. लेकिन 11 साल की उम्र से मैं पाल रहा कितने साफ. एस्ट्रो वर्ल्ड मेरे जहन की आवाज बनी. उसके बाद एस्ट्रो सीने का मल्लार बनी. राइट मेरी जंग अपने आप से थी हार बनी. उसके बाद कूल से इंस्पायर्ड होके मरी. मैंने वापसी देख कौन आया वापस. इसका स्टाइल इसका स्लैंग इसकी वाइट कॉपी है. मुझे डीएम करे लड़के तुझे डिस करना है. पर मेरी पिक्चर लेके तेरी बहन अकेली सोती है. आई एम स्पेडिंग फैक्ट्स. अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर पर अंग्रेज रैपर डीएम करके बोले देश छोड़ो रे दरा. ये मुझ पे खुदा मेहरबान नहीं मैं करूं इतनी मेहनत. मैंने कभी खुद पे यकीन छोड़ा ना. मैं मजाक में बना दू गाने. यहाँ के आर्टिस्ट केवल लोग से पैसा लेके भूल जा रहे. ये वीडियो के लिए होते हैं तैयार ऐसे जैसे. भाई यार इतना ऐप टर्निंग है ना, ये इतना ऐप टर्निंग है ना एल्बम का. अभी बस 1.5 मिनट सुने हैं मैंने. भाई यार बोले मैं गाने मजाक में बनाता हूँ, लोग यहाँ लेबल से पैसे लेके गाने देना भूल जाते हैं. मैं तो ऐसे उठते बैठते गाने बनाता हूँ और तू मेरे को आके बोलता है मेरे डीएम्स में कि तू मुझे डिस करना चाहता है. तेरी बहन मेरे फोटोज लेके अकेले सोती है. भाई ध्यान रखो ध्यान रखो. नया बैग लेके स्कूल
जा रहे ये वीडियो के लिए होते हैं तैयार ऐसे जैसे छठी पास नया बैग लेके स्कूल जा रहे फ्यूजन करता म्यूजिक का और रखता भारी हाथ ये डरते हैं कि खा जाएंगे रिस्की होके मात मैं विस्की पी के किसी में भी राज अपने खोलता नहीं सच्चे दोस्त को मालूम है मैं अच्छे दिल को तोड़ता नहीं जनता मुझसे पूछे तेरी एल्बम इतनी लंबी क्यों है लंबी है तो गाने इतने छोटे क्यों है छोटे हैं तो गानों में जो स्टोरी है वो अलग क्यों है अलग है पर तेरा म्यूजिक इतना ज्यादा गलत क्यों है कभी नहीं था बातू नहीं बचपन मेरा Ben always is about breaking boundaries, man. कि यार मेरे को ये करना है और ऐसे नहीं करना मेरे को वैसे करना है तो अब तुम ठीक है मेरे को जैसी मर्जी मैं वैसे करूंगा एंड पीपल आर आउट देयर आस्किंग भाई तुम्हारे एल्बम में इतने गाने क्यों है ये गाना 2.5 मिनट का क्यों है 3 मिनट का क्यों नहीं है भाई इसमें तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो एंड ही इज लाइक भाई गाना तो गलत है ना वाइप करो भाई बाकी भाई यार ये और ये जिस तरीके से डिलीवरी ये डिलीवरी बोलना भी बहुत टेक्निकल टर्म साउंड कर रहा है इतने इमोशनली इस चीज को डिलीवर कर रहा है भाई गाने में इट्स जस्ट हिटिंग भाई उम्मीद मेरी कलम जब ये ठाना के मैं रैपर हूँ अब किसी को बताना ही नहीं पड़ता कि मैं रैपर हूँ घनी सिंह मेरा म्यूजिक अलग बजेगा पर फर्क यही रहेगा कि बेला नहीं थमेगा ऐसी नो डेंजर जोन मुझे सब करना आता है म्यूजिक सामने रख तूने पढ़ा है मैंने जाना है तूने पढ़ा है और मैंने जाना है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड लिविंग थिंग्स म्यूजिक सामने रख तूने पढ़ा है मैंने जाना है दुनिया दूर से मजे लेके ऊपर चली जाएगी पिक्चर कैसे DHH में एवोल्यूशन लाएगी खुद के लिए खड़े होना पाप हो गया जी यहां पे हाइप दे के पालने वाला बाप हो गया जी ऑडियो में मिलियन लाने वाला विजन है तुम लोगों के लिए वीडियो एक प्रायोरिटी है ब्रो तू 4K में ऑडियो में मिलियन लाने वाला विजन है मेरा एंड यार क्या बताऊं भाई यार लाने वाला विजन है तुम लोगों के लिए वीडियो एक प्रायोरिटी है ब्रो तुम लोगों के लिए वीडियो इतना क्या क्यों है ब्रो इंपॉर्टेंट क्यों है ब्रो अंग्रेज बोलते हैं आई फील लाइक हनी सिंह ये तो हो गया 11 फेल ऑडियो में मिलियन लाने वाला विजन है तुम लोगों के लिए वीडियो एक प्रायोरिटी है ब्रो तू 4K में मेरे वाले साउंड लाइक ए फेल मैं 420 में ही इतनी मेरे 420 में ही इतनी क्वालिटी है ब्रो तुम लोगों के लिए वीडियो एक प्रायोरिटी है ब्रो तू 4K में मेरे वाला साउंड लाइक ए फेल मेरे 420 में ही इतनी क्वालिटी है ब्रो मेरा क्लास गहरा फेल मगर मेरी शुरुआत छोड़ हेट पहले गहराई को जान जो इन्हें चाहिए था वही कलाकार हूँ मैं धीरे धीरे हाँ जी कह रही जान बातें मेरी इन्हें पकी पकी दो इन्हें चाले पसंद है भाई इन्हें रमी वमी दो गाने फेंकू जैसे भूखा शेर खुला हो गया और यहाँ के रैपरों का कलाकारी मुर्दा हो गया मैंने बोला था कि छोड़ रहा हूँ म्यूजिक 2020 में क्योंकि मुझको गाने देना बेस लग रहा था मेरी फेम मेरी जीत तुम्हें फेक लग रही थी वहाँ नींद मेरा चैन सब हराम हो रहा था व्हाट द फक तुम्हें किसी की भी पड़ी नहीं है बुद्धि जैसे बल्ब बिजली भरी है पर जली नहीं है व्यूज देख के कमेंट आएगा बुद्धि जैसे बल्ब है ये भरा है भरी भरा है लेकिन ये जली नहीं है भाई यार व्हाट्स अबाउट द 2020 आई थिंक पोस्ट हसल वाला सीन है एंड इफ इट इज अबाउट दैट थिंग ही हसल ही वन द हसल होल कॉम्पिटिशन एंड एवरीथिंग एंड Sometimes commercial success has a toll on you, man. इसके लिए अलग वीडियो भी बनाना पड़ेगा अलग से बोल के बट मैन इट कैन टेक अ टोल ऑन यू स्पेशली अगर तुम क्योंकि ऐसा होता है ना तुम ऐसे ऑडियंस अट्रैक्ट करते हो जो शायद तुम्हारे जो एक आइडिया बना के आए हैं कि तुम्हारे पास से ये मिलने वाला है जब तुम ऐसे आर्टिस्ट ही नहीं हो तो इफ यू चेंज योर स्टाइल और उनके हिसाब से खुद को फिट करते हो दैट माइट वर्क फॉर वर्क इन योर वे लेकिन अगर तुमको अपना साउंड बनाना है अगर तुमको ओरिजिनल एक ऐसा नीच और फैन बेस चाहिए जहां तुम अपना साउंड को केटर कर पाओ वो कमर्शियल ऑडियंस इज नॉट गोना वर्क फॉर यू मैन वो उल्टा लायबिलिटी हो जाता है इसके बारे में अलग वीडियो बनाना पड़ेगा अगर बोलना हो तो इट्स अ लॉन्ग टॉपिक मेरी फेम मेरी जीत तुम्हें फेक लग रही थी वहां नींद मेरा चैन सब हराम हो रहा था व्हाट द फक
तुम्हें किसी की भी पड़ी नहीं है बुद्धि, जैसे बल्ब बिजली भरी है पर जली नहीं है। देखे कमेंट आ रहे गानों पे के एल्बम तेरी अच्छी है पर बुरा लगा चली नहीं है। डैम इसे चलन कहते हैं ब्रो, अपने इधर अपने म्यूजिक को हम वचन देते हैं ब्रो। पहले हील करेंगे फिर हम पैसा छापेंगे, फिर वो पैसा अपने लोगों में हम खुला बांटेंगे। ये मेरा शौक, असली बनो चर्सी बनो मत, लाखों लोग कमा के अपने से तुम फर्जी बनो मत। समी पे पैर बस अब अलग जीता हूँ, मेरे गम ना बता दूँ इसलिए ज्यादा पीता हूँ। ये तेरे वैब है कि मेरे जैसा आया है और चला जाएगा, लंबा खेलेगा और ज्यादा खाएगा, लंबा खेलेगा तो बेला वोट बनाऊंगा। तू बस देख रहा था, देखता रह जाएगा। वाह ये मेरी एल्बम है, होम होम, ये बस मेरी शुरुआत है। मेरा नाम क्या है? पानी पियो भाई, पानी पियो भाई, आप जाके गला तो खत्म है बिल्कुल। ये कहां से निकल के आता है भाई, इतना अग्रेशन। ये प्लेलिस्ट में जा रहा है भाई, भाई यार माइट बी वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम द होल एल्बम। भाई यार didn't expect man, और ऐसे गाने आ रहे तो नहीं चाहिए यार, वीडियो नहीं चाहिए, I swear man। And Bella is one of those artists जो गाने ऐसे बनाता है कि अगर तुम गाने बस सुन लो तो अपने दिमाग में म्यूजिक वीडियो तुम्हारा खुद से प्ले होने लगेगा, अगर वीडियो ना भी रहे कुछ गाने का, यू नो ही पेंट्स पिक्चर्स। तो भाई क्या कर दिया यार ये बहुत ज्यादा सच्चाई है भाई, आप धीरे आओ। अरे यार तो ये क्या बीट है भाई, शिट मैन, शिट मैन, मैं भूल भी गया बीच में, मैं कुछ बोल फक भाई जी फक भाई, मैं कुछ तो बोल रहा था बीच में, मैं सेट किया लास्ट में बोलूंगा इसके बारे में, देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। शिट दिस इज अनफेयर बट आई फॉरगॉट अबाउट इट यार, मैं क्या करूँ। शिट एक काम करते हैं ना, लाइन वाली एल्बम, रुको 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 रुको, आई विल चेक द लिरिक्स एंड सी अगर मुझे याद आता है तो। देखिए मुझे मगर काटने को नहीं आते, इंटरव्यू में बोलते बांटने को नहीं आते, राइट। मैंने तो बस ख्वाहिश पूरी की स्टोरी लाइन, हर एक दांत में स्टोरी लाइन, स्टोरी लाइन के बारे में कुछ बोल रहा था मैं एल्बम के बारे में। शिट मैन, शिट, आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट, लिख के रखना चाहिए था। ठीक है यार मैं अब नोट्स लेके बैठूंगा, ठीक है फोन में टाइप कर लूंगा, गलती हो गई भाई माफ करो। शिट मैन, कुछ इंपॉर्टेंट बोलना था यार मेरे को, बट छोड़ो अभी छोड़ो, आई एम सॉरी बट आई रियली लव द ट्रैक मैन। मैं अब तक पता है जो एल्बम में से गाने आ रहे थे, आई लिसनड अ लॉट टू आई एम अ किड, कोल, फिर वो क्या है आई एम अ किड, और एक है ना वो फैंस फॉर माई पीपल, म्यूजिक फॉर माई पीपल, म्यूजिक हाँ फॉर माई पीपल, एस्ट्रा, ऐसे भाई ये गाने मैं इतने ज़्यादा सुनता था। एस्ट्रो वर्ल्ड एक ऐसा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उस गाने के लिए खुद को एक जोन में लाना पड़ता है कि अब सुनना है, ठीक है तो वो उसका कुछ अलग सीन है, बट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑल ऑफ द मैन। लास्ट ट्रैक को लेकर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि हाउ आई फील अबाउट इट, बट डैम इज लाइक इतना ज्यादा जस्टिस है ना पूरे एल्बम के एंड को ही एड्रेस्ड, टू मेनी थिंग्स इन द होल सॉन्ग, और इतनी सच्चाई और इतना इमोशनल डिलीवरी, एग्रेसिव इमोशनल डिलीवरी, और ये फैक्ट ना कि यार एल्बम में कुछ स्टोरी लाइन था ही नहीं, तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैंने तो बस अपने लाइफ में मैं जब जहाँ जो फील कर रहा हूँ मैं वो बोलते गया, और स्टोरी क्या है, लाइफ है, अपना लाइफ है जो चल रहा है वो। I can't even explain man, but I feel you man, I feel you, I understand. हाँ आ गया, मैं ये बोल रहा था कि किसी इंटरव्यू पॉडकास्ट में भी मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि being एक आर्टिस्ट होते वक्त इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। रुको रुको, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत क्लीशे कुछ बोल रहा हूँ मैं, बट इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड, ठीक है, क्योंकि जब तुम ऑनेस्टली कुछ चीज़, जब तुम दूसरों से बात कर रहे हो फील लाइक यू आर बीइंग ऑनेस्ट, बट देर इज ऑलवेज दिस फिल्टर विच इज वर्किंग इनसाइड अस। हम सोचेंगे कि नहीं यार कोई फिल्टर नहीं होता, मैं बोल देता हूँ, दैट इज नॉट द केस, देर इज ऑलवेज अ फिल्टर इनसाइड जो
जो तुम्हारा कॉन्शियंस है कि ये सही है ये गलत है, इसको बोलना है नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है नहीं बोलना है, थोड़ा बहुत काम करता है. एंड वी प्लेस थिंग्स कि ऐसे बोलेंगे इस चीज को. एंड अनकॉन्शियसली व्हेन वी आर राइटिंग सॉन्ग्स, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन आर्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ, उस टाइम में भी ना ये फिल्टर हमारे अंदर इतना डेवलप कर जाता है और इतना बैठ जाता है कि इट हैम्पर्स विद यू नो ऑनेस्ट थॉट. और गाने लिखते वक्त इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस एन इमोशन, अपना किसी अपने किसी माइंड स्टेट के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये फिल्टर हैम्पर करता है. सो इवन इफ वी फील कि वी आर बीइंग ऑनेस्ट, इट इज नॉट दैट ईजी, वो होता नहीं है. एंड व्हेन अगर तुम वो चीज कर लेते हो ना, अगर तुम उस फिल्टर को हटा के एकदम अंदर से जो आ रहा है एकदम इनसिक्योर थॉट और जो भी उस चीज को अगर तुम लिखना शुरू करते हो ना, तुम अपने करियर में जितने गाने लिखोगे, पूरा लाइफ के लाइफ में जितने गाने लिखोगे, हर गाना मिला के एक एल्बम ही हो जाएगा. बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग योर जर्नी लाइक बेला इन दिस होल एल्बम. ही सेड कि मैं तो बस जो मेरी ख्वाहिशें थी मैं बोल रहा था, मेरे को जो मन था मैं उसके बारे में बात कर रहा था. स्टोरी कनेक्ट हो गया क्यों? क्योंकि ही वॉज बींग ऑनेस्ट. और लाइफ में जैसे जैसे पाथ ही केप्ट टेकिंग, इट ऑल यू नो लाइंड अप एज अ स्टोरी. सो ही डिडंट ट्राई कि मेरे को एक स्टोरी लाइन एल्बम बनाना है, उसको जो मन में आया एकदम ऑनेस्ट जगह से लिखते गया. दैट्स व्हाट आई फील. So it is not as easy as it sounds being honest to yourself. ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, but अगर हम कर लेते ये चीज़ तो वो artistic level और approach अलग जगह पर पहुँच जाता है, जो बेला ने has already done it. Hats off, respect भाई, beautiful track, पक्का playlist भाई, एकदम number one spot पर. मैं सोच रहा था video के पहले मैं बोलूँगा कि मैंने कौन से गाने सुने और कौन से मेरे ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट में कैसे, मतलब कौन सा ज़्यादा पसंद है मेरे को. अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला, बिकॉज डैम अब नंबर वन पे है, कोई कुछ नहीं कर सकता. खत्म है भाई. हाँ भाई, अमेजिंग. आई रियली लव द ट्रैक मैन. आई रियली विश कि लोगों को समझ आए जाके कि यार क्या हुआ है यहाँ पे, पूरे एल्बम में क्या हुआ है, कितना ऑनेस्टी है, कितना सच है इस पूरे एल्बम में. पता ये भी सीन है, ऑडियंस ऐसे गाने तब सुन पाएगी जब वो खुद समझते हैं कि इस ऑनेस्टी का वैल्यू क्या है. उस चीज़ को जब लोग समझने लगेंगे ना, तभी वो अप्रिशिएट कर पाएंगे कि यार क्या आ रहा है उस साइड से. तो या बट आई जस्ट थिंक यू डिड व्हाट यू डिड मैन, यू डिड व्हाट यू हैड टू डू. हो चुका है अब हो गया भाई. If you like the song, man, अगर गाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट. एंड इफ यू लाइक द वीडियो लीव अ लाइक, इफ यू डिडंट लाइक इट लीव अ डिसलाइक. बट इफ यू आर एंजॉयिंग द कंटेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से राइट नाउ, मैन. आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड, इतना कुछ प्रोसेस किया है मैंने, एंड आई एम स्टिल प्रोसेसिंग. सो या आई एम गोना एंड इट प्रीटी क्विक राइट हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, मैन. अगर तुमने मेरे को फॉलो वगैरह नहीं किया, कर लो. मेरे गाने नहीं सुने हैं तो सुन सकते हो तुम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स या मेरे चैनल पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. आई लव द स्ट्रेस फैम, इट्स अ बॉय बिग स्क्रैच एंड आई एम आउट. तू कह दे तो ले आऊं तारे भी, चल जाए हाथ वो कॉफी नहीं, डर जब आऊंगा लौट के, मिलेगी मुझको तू वापस नहीं, हाजिर है तेरे लिए आशिक कई. आई डोंट नो व्हाट लव इज, मैं वाकिफ नहीं. I thought I could give what I have, पर अंदर से उजड़ा और